नमस्कार। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं उस वक्त नेताओं राजनेताओं द्वारा ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि सुनने वाले के भी होश उड़ जाएं। चुनाव जीतने के बाद भले ही इन नेताओं की शक्ल भी ना दिखती हो, लेकिन उससे पहले तक ऐसा माहौल बनता है जैसे बस अब देश प्रदेश में बदलाव होना 100% पक्का है। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल यूपी में देखने को मिल रहा है। वैसे तो साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की ही हो रही है। इस राज्य पर काबिज होने के लिए एक तरफ बीजेपी दमखम भर रही है तो दूसरी तरफ सपा भी पूरी जान फूंक रही है। दावों से नहीं तो वादों से ही सही, बस एक बार जनता जिता दे इसके लिए कड़े जतन किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी बाकी सभी को पछाड़ते हुए जनता को ऐसा लालच दे रही है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूपी के उन्नाव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कई ऐलान कर दिए। उन्नाव की धरती पर खड़े होकर सपा मुखिया ने कहा, अगर सपा की सरकार बनती है तो कानपुर से उन्नाव तक मेट्रो चलेगी। इसके अलावा सपा सरकार में सांड के हमलों में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साइकिल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा, आप मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि साल 2022 में समाजवादी की सरकार ही बनने जा रही है। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर भी बात रखी और कहा कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया। वो पुष्पराज जैन के यहाँ पर छापा मारना चाहते थे, पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। जनता के बीच अपनी जगह मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा, उन्नाव में गंगा किनारे कितनी लाशें बह रही थी, ये सरकार लोगों को लकड़ी भी नहीं दे पाई। कोरोना काल में लोगों की जाने गई, ये बीजेपी की नाकामी है। सरकार दवाई का इंतजाम कराने में फेल रही। अखिलेश ने कहा, कोरोना की जिम्मेदारी किसी और की नहीं सिर्फ बीजेपी की थी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर कह दिया कि इस सरकार ने गरीबों को सिर्फ धोखा दिया है। कानपुर मेट्रो को लेकर सपा मुखिया ने कहा, यह भी समाजवादियों की ही देन है, यानी इसका क्रेडिट भी अखिलेश ने खुद की सरकार को ही दे दिया। बहरहाल अखिलेश सरकार के इस दावे पर आपका क्या कहना है? अखिलेश द्वारा योगी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर।